संजय काम ले। सभी दोस्तों ने तैयारी पूरी कर ली थी। सचिन ने बंगले के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली। अतुल ने जरूरी चीजों को इकट्ठा किया था। सूरज ढलते ही उन्हें उन जगह के लिए निकलना था। दिए हुए वक्त पर सचिन की कार सुनैना के घर पहुंची। गैलरी से कार की तरफ देखती हुई अपनी माँ को देखकर सुनैना ने हाथ हिलाया और कार में बैठ गई। सबने घर में झूठ कहा था कि वे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। शहर के ट्रैफिक से रास्ता निकलते हुए धीरे धीरे उनकी कार आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में शहर की चहल पहल को पीछे छोड़ते हुए उनकी गाड़ी वीरान सड़क पर दौड़ने लगी। सभी के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन थी। किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। रात के घने अंधेरे के बीच जंगल के उस सुनसान रास्ते पर उनकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी की पीली हेडलाइट में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। पतझड़ का मौसम होने के कारण पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों ने जमीन पूरी तरह से ढक दी थी। बिना पत्तों के पेड़ जैसे हड्डियों का ढांचा बने इंसानी शरीर की तरह दिखाई पड़ रहे थे। गाड़ी की हेडलाइट में वह इलाका दिल में खौफ पैदा कर रहा था। कछुए की तरह उस कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने वाले कार के पहिए एक जगह पर रुक गए, पर कार का इंजन अभी भी शुरू ही था। रात के वीराने में कार के इंजन की आवाज जंगल के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही शोर कर रही थी। विवेक ने डर भरी आंखों से खिड़की के बाहर देखा। शायद वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। कार के भीतर स्टेयरिंग की बाईं तरफ हरे रंग की रोशनी से चमकने वाली डिजिटल घड़ी में 8:15 का टाइम हो चुका था। उस कार के अंदर अभी एकदम चुपचाप बैठे थे। कोई भी किसी के साथ बात नहीं कर रहा था। गाड़ी का इंजन अभी भी वाइब्रेट कर रहा था। गाड़ी में बैठे हर एक को अपने दिल की तेज हुई धड़कन के साथ सांसों की आवाज महसूस होने लगी। हमेशा शहर के चहल-पहल में बेइंतहा मस्ती करने वाले उन दोस्तों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतना खौफनाक सन्नाटा महसूस नहीं किया था। कार के अंदर बैठे ही बंद दरवाजों पर लगी कांच की खिड़की में से हर कोई बाहर फैले काले अंधेरे को देख रहा था। कुछ देर तक वो सन्नाटा कायम रहा। सुनैना, विवेक, अतुल, क्या तुम लोग सचमुच तैयार हो? तो क्या अब तक ये मजाक चल रहा था? तीर कमान से निकल चुका है भाई। देखो वहाँ क्या होगा, हम राहुल को ढूंढ पाएंगे या हमारे साथ भी कुछ वैसा ही होगा पता नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ आने का फैसला हमने दिन के उजाले में किया था। विवेक के डरे सहमे चेहरे की ओर देखते हुए अतुल बोला, देख विवेक, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू मत आ। विवेक का दिल अभी भी घबरा रहा था, जाए या ना जाए, पर सुनैना, सचिन, अतुल आज रात उसी पुराने बंगले में रात के वक्त अपने दोस्त राहुल को ढूंढने की ठान चुके थे। चारों ओर फैली घनी झाड़ियों के बीच में से जाता एक कच्चा रास्ता और कुछ ही दूर पर वो भूतिया बंगला। काफी पुराना होने की वजह से बंगले के अंदर लाइट की कोई सुविधा नहीं थी, इसीलिए हर एक ने अपने साथ दो लाइटर और एक माचिस की डिबिया रखी थी। एक बक्सा जिसमें चार टॉर्च और कई दर्जन मोमबत्तियां थी। सब गाड़ी से उतरे और एक दूसरे की तरफ देखते हुए कच्ची सड़क पर बंगले की ओर चलने लगे। आज शायद अमावस की रात थी। काले आसमान में तारे इस तरह से चमक रहे थे मानो वह
घूरकर जमीन पर होने वाली हर एक हलचल को देख रहे थे। बंगले के अंदर पहुंचने से पहले ही डर उनके दिमाग पर हावी हो रहा था, पर उसकी वजह थी जंगल से जंगली जानवरों की आने वाली डरावनी आवाजें। उसी जंगल में कई से भेड़िए की अजीब सी आवाज जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई काफी दूर तक गूंजने लगी। सभी दोस्त डरी सहमी नजरों से अपने चारों ओर देखते हुए आगे की ओर चलने लगे। उनके हर कदम के साथ जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते आवाज के साथ चकनाचूर हो रहे थे। तभी विवेक ने हाथ आगे करते हुए सबको रोक लिया। क्या हुआ? विवेक ने नजर से इशारा करते हुए उसे नीचे जमीन पर देखने के लिए कहा। सुनैना ने मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हुए जमीन पर रोशनी डाली और मानो उसके दिल की धड़कन जैसे थम गई। टॉर्च की रोशनी में एक बड़ा काला सांप सड़क के बीचों बीच आराम से पड़ा था। उस काले लंबे सांप पर नजर पड़ते ही सबके कदम एक ही जगह पर रुक गए। जमीन पर पड़े उस सांप ने टॉर्च की रोशनी की तरफ देखा। सभी दोस्त चुपचाप खड़े रहकर उस सांप की एक एक हरकत देख रहे थे। कुछ पल से टॉर्च की रोशनी की तरफ देखने के बाद जोर से फुफकारते हुए अपना जहर रोशनी की तरफ फेंका। वो नजारा देखकर डर के मारे सभी दो कदम पीछे हट गए। तभी वो सांप सरसराते हुए जमीन पर पड़े सूखे पत्ते के बीच से जंगल में कहीं गायब हो गया। अपने तीनों दोस्तों की तरफ देखते हुए विवेक ने थोड़ी डरी सहमी आवाज में कहा, चेतावनी, हमें पहली चेतावनी मिल चुकी है कि अंदर मत जाओ। विवेक की तरफ देखते हुए सुनैना ने कहा, ये रही गाड़ी की चाबी। वाकई में तुझे डर लग रहा है तो तू जा सकता है, हम संभाल लेंगे। और हाँ, अगर कहीं पिकनिक मनाने जाने का प्लान बना तो तुझे जरूर बताएंगे। सुनैना की ये बात विवेक को अच्छी नहीं लगी। यार मैं मजाक कर रहा था। विवेक, आवाज। और सुनैना, मोबाइल का टॉर्च बंद करो, इस टॉर्च से काम चलाओ। बोलते हुए सचिन ने अपने पास की लंबी टॉर्च सुनैना को दी। और फ्रेंड्स, ज्यादा ऊंची आवाज नहीं। हाँ, सबने उसकी ओर देखा और गर्दन से हाँ में इशारा करते हुए चलने लगे। रात के अंधेरे में सामने वाले उस बंगले का नजारा दिल में खौफ पैदा कर रहा था। सभी दोस्त अपने हाथों में ली हुई टॉर्च की रोशनी बंगले की चारों तरफ मारते आगे बढ़ने लगे। सब उस बंगले के बड़े से दरवाजे के बाहर खड़े थे, पर दरवाजे को अंदर की ओर धकेलने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी। सब यही सोच रहे थे कि अंदर जाएं या नहीं। हम सबको फिर एक बार सोचना चाहिए। तू अब भी सोच ही रहा है, अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतुल ने विवेक को थोड़ा मुस्तैल आवाज में कहा, पर दोनों की बातों को सुनकर भी अनदेखा कर सुनैना ने अपनी आंखें बंद करते हुए लंबी सांस ली और थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए दरवाजा अंदर की ओर धकेल दिया। बंगले के अंदर के उस काले घने अंधेरे में दरवाजे की आकार की रोशनी जमीन पर फैल गई। सुनैना ने पहला कदम बंगले के अंदर रख दिया और उसके पीछे पीछे तीनों दोस्त अंदर आ गए। 9 बज चुके हैं, चलो काम पर लगते हैं, अतुल ने सबकी ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विवेक बोला, रात को 12 बजे से पहले हमें पूरी तैयारी कर लेनी है। 12:30 से 3:30 के बीच हमें किसी भी हालत में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना है। विवेक की बात खत्म होते ही सुनैना ने कहा, 12:30 से 3:30 के बीच हमें राहुल की तलाश करनी है। उसी वक्त हम 2-2 की टीम में बंटकर हर कमरे में जाकर राहुल को आवाज लगाएंगे। गलत, हमें किसी भी हालत में अपने किसी भी साथी को आवाज नहीं लगानी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हम सबको अपने जहन में याद रखनी है। सचिन की आवाज सुनकर हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। मतलब? विवेक ने पूछा और सचिन तीनों के चेहरे की तरफ देखते हुए गंभीरता से बोला, पहली बात, हमें ये पता करना है कि इस बंगले में कुल कितने कमरे हैं। हमें उन हर कमरे के भीतर जाना है और कमरे की खिड़कियों पर टूटे शीशे पूरी तरह से बंद करने हैं और फिर इसी हॉल में वापस आना है। दूसरी बात, जितने भी कमरे हमने पूरी तरह से बंद किए हैं उन सबको याद रखकर रात 12:30 के बाद दोबारा हर एक कमरे में जाना है और वहां मोमबत्ती जलाकर रोशनी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी बंद अंधेरे कमरे से या खाली अंधेरी जगह से अगर कोई तुम्हें आवाज देता है तो समझ लेना कि वो हमारा दोस्त नहीं है।
सचिन की बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। तीनों दोस्त सचिन की एक एक बात अच्छे से अपने जहन में उतार रहे थे। सबके रंग उड़े चेहरे की ओर देखते हुए सचिन फिर बोलने लगा, जिस भी कमरे के अंदर तुम मोमबत्ती जलाने जा रहे हो, सबसे पहले उस कमरे के दरवाजे के बाहर से खड़े होकर तुम्हें इस बात को कंफर्म करना है कि भीतर से कोई आवाज या आहट महसूस नहीं हो रही। अगर कमरे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आती है तो हमें उस कमरे को छोड़ देना है। मतलब ये कि हमें जिस भी कमरे के भीतर जाना है, सबसे पहले कमरे के भीतर से कोई आहट या किसी तरह की आवाज ना आ रही हो, इसका जायजा लेना है। बिल्कुल सही। अगर कमरे के भीतर सन्नाटा हो तभी उसका दरवाजा खोलना है, और वहाँ मोमबत्ती जलाकर उजाला करने के बाद में जिस कमरे को छोड़ा। था उस कमरे के बाहर जाकर दोबारा उस आवाज को सुनने की कोशिश करनी है। अगर सन्नाटा है तो दरवाजा खोलकर हमें वहां भी उजाला करना है। एक बात ध्यान में रखना, हमें किसी को आवाज नहीं लगानी। सभी दोस्त सचिन की एक एक बात सांसें रोक कर सुन रहे थे। यार ये बात तुम यहाँ आने से पहले नहीं बता सकते? नहीं, अगर पहले बता देता तो मस्ती करने के चक्कर में यहाँ आने से पहले ही तुम सब कुछ भूल जाते। बस हो गया, अब तुम डराओ मत, वैसे भी बुरी तरह से फटी पड़ी है। बोलते हुए विवेक टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाने लगा। सबसे पहले हमें घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद करने होंगे। जिन खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं वहाँ पर कागज या ऐसे ही किसी चीज का इस्तेमाल करके बंद करना होगा, जिसकी वजह से अंदर की रोशनी बाहर ना जा सके या बाहर का अंधकार नजर ना आए। सही कहा तुमने सचिन, सबसे पहले यही काम करते हैं, चलो। विवेक के साथ सुनैना, सचिन के साथ अतुल, दो दो की टीम में चारों दोस्त घर के दरवाजे और खिड़की बंद करने के लिए निकल पड़े। बंगला कई सालों से बंद होने के कारण दीवारों का रंग उड़ चुका था, जगह जगह मकड़ी के जाले दिखाई पड़ रहे थे। सुनैना और विवेक टॉर्च की सफेद रोशनी में घर के निचले हिस्से की हर एक रूम को चेक करने लगे। कई जगह खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। उन्होंने बैग में लाए हुए न्यूज़पेपर्स निकाले और पेपर टेप से खिड़कियां ढकने में जुट गए। इधर अतुल और सचिन दूसरे फ्लोर पर जाकर दरवाजों और खिड़की के टूटे हुए शीशे बंद करने लगे। बंगला काफी बड़ा था, एक एक कमरा उन्होंने दोबारा से चेक कर लिया। इस बीच उनका काफी वक्त गुजर चुका था, लगभग 11:30 बज चुके थे। सब दोबारा से हॉल के बीचों बीच खड़े हुए। जिसने जो कमरा बंद किया है वो उस कमरे के बारे में जानकारी दे रहा था। तभी सचिन ने कहा, हम कुछ भूल तो नहीं रहे?